अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बड़ी माँ आप तो बड़ी हो, आप बताओ ना बड़ा कब तक बाहर आएगी। आप जूस पियो, हम बताते हैं। आप देखो यहाँ पर ये लोग गड्ढा खोद रहे हैं ना, फिर इस गड्ढे से लेकर इस गड्ढे तक एक सुरंग बनाएंगे। सुरंग मतलब टनल, तो उस टनल से फिर पारो के पास जाएंगे और पारो को बाहर निकाल लेंगे। बड़ी माँ हम किसी को भेज नहीं सकते क्या? जैसे हम खाना भेज रहे हैं वैसे किसी को भेज देंगे, वो पारो को बाहर ले आएगा। बेटा भेज तो सकते हैं पर बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि गड्ढा छोटा है ना, उसमें बड़े लोग नहीं जा सकते। पर पारो चली गई थी। बेटा वो छोटी ऐसी चली गई थी जैसे आप हो, और उसमें बड़े लोगों का जाना पॉसिबल नहीं है। समझ गए, चलो जूस पी। माइक प्लीज। पारो तुझे डर लग रहा है? पुत्तू डरूंगी नहीं क्या? बहुत डर लग रहा है। अंधेरे से? नहीं अंधेरे से नहीं, तो डर लग रहा है। पता नहीं और भी कुछ आ जाए तो। पारो कुछ नहीं होगा, मैं भी नहीं डर रहा हूँ ना, इसलिए तू भी मत डर। तू तो सबके साथ है, मैं अकेली हूँ। तो बहुत डर लग रहा है। अंकल आप पारो को जल्दी से बाहर ले आओगे? उसे डर लग रहा है और वो अकेली है। जी बेटा हम निकाल लेंगे उसको बाहर। बच्ची फिर से सो रही है। लेकिन अभी तो उसने चॉकलेट खाई थी। आप सही कह रहे हैं लेकिन वो थक गई है, पहले पार्टी में खेल खेल के थक गई थी, अब वो ऑक्सीजन लेवल की वजह से थक रही है और इमोशनली भी थक चुकी है, तो वो सो सकती है लेकिन हमें उसे सोने नहीं देना है। पिछली बार तो किसी तरीके से हमने उसे सोने से बचा लिया लेकिन इस बार तो मुझे भी डर लग रहा है और मुझे ये लग रहा है कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं प्लीज मैं बात करती हूँ उसे। पारो पारो बेटा क्या हो रहा है? तो तुझे नींद आ रही है, तो थक गई है क्या? क्या हुआ है? नहीं माँ मैं बहुत थक गई हूँ। पारो आंखें बंद मत करना। पारो 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 प्लीज आंखें बंद मत करना। पारो सोना नहीं, पारो जागते रहना। हाँ हमसे बात करो। अब मैं ही कुछ करता हूँ। चाची क्या क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो आप सोच रहे हो कि बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए? क्या हुआ? वो मैंने ना नीलम जी और आचल को बातें करते हुए लिस्टन कर लिया। मैम क्या क्या सुना आपने? वो नीलम जी ना लक्ष्मी और पारो को अलग कर देना चाहती है। व्हाट आई मीन ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप अरे ऐसे कैसे मतलब आयुष का? मैं टेल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल राइट टेल रही हूँ। अरे मैंने अपने कानों से लिस्टन किया हुआ है, नीलम जी टेल रही थी आचल को। रब्बा मतलब मैं तो थिंकिंग करके हैरान हूँ कि नीलम जी इतने बेरहम कैसी हो सकती है, एक माँ और बेटी को अलग करना चाहती है। आयुष मतलब ये तो गलत है ना। नानू चाची जी आप प्लीज पहले जस्ट थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा शांत रहो। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा।
और आपने सुना ही होगा ना, एक औरत कभी माँ और बेटी को अलग थोड़ी करेगी, कभी नहीं करती। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज आप प्लीज थोड़ा शांत। आयुष, हाँ जी आयुष, मैं चाहती हूँ कि तू ना इस बात का एड्रेस लगाए, मीनिंग नीलम जी जो कुछ भी टेल रही थी आंचल से, वो ऐवे ही टेल रही थी, वो गुस्से में थी। आई मीन वो बातें नहीं करिए ना लक्ष्मी से, तो हो सकता है कि गुस्से में ऐसे निकल गया होगा उनके माउथ से। मैं चाहती हूँ कि तू इस बात का ना एड्रेस लगाए कि ये बात सच है या झूठ है। हाँ ठीक है, करेगा मैं करूँगा। ठीक है, सब ठीक है। अगर मामी ऐसा कह रही हैं तो इसका मतलब मामी ऐसा कुछ करने का प्लान कर रही हैं। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। जी हाँ, रोहन को अपनी बहन का दुख देखा नहीं गया और अपनी प्यारी सी बहन को बचाने के लिए मासूम रोहन ने भी उस गहरे गड्ढे में छलांग लगा दी। टीम जल्दी फटाफट इधर आइए, जल्दी जल्दी फटाफट। रोहन, आरो आरो बेटा, एक बार देख रोहन ठीक है ना, उसे जगा। आरो 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 देखो रोहन, कुछ चेक करो। पारो उसे जगाने की कोशिश करो। पारो बेटा आवाज आ रही है ना, पारो पूछता उससे वो ठीक है तो नहीं ना। रोहन किसी ने देखा कैसे नहीं रोहन रोहन कुछ तो बोल रोहन प्लीज कुछ बोल कैसा लगा? तूने मेरे हाथ पर राखी बांधी थी ना, इसका मतलब पता है भाई हमेशा अपनी बहन की एक्सेप्ट करता है, मुझे तो आना था। और अब मैं आ गया, अब तू डर मत, तेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सांप भी नहीं। तू पागल है क्या? तू मुझे बताना फिर तू क्यों आया, बताना तू पागल है क्या? मैं तेरी रक्षा के लिए आया। रोहन 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 ये Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।